वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ईपिक एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर आप अपने काफ़ी सारे मतलब फ़ोटोज़ के एडिट कर सकते हो। उसके अंदर आप कुछ कलर एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ लेआउट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ मतलब क्लोन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कटआउट वगैरह कर सकते हो, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। और काफ़ी सारे आपको इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन है, कैसे आपको इसे यूज़ करना है, तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले उसके मतलब फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग मतलब अपने फोटोज़ को डेकोर कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ इमोजेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई फोटो वगैरह आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फोटो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूँ, कोई भी एक फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो आप इस वीडियो का थंबनेल मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मतलब एक आपको रिव्यू दे देता हूँ मैं कौन सा एप्लीकेशन किस तरीके से। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पर आपको ऑप्शन मतलब पोर्ट्रेट का, जिसके अंदर आप स्किन वगैरह आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर स्किन वगैरह आप यहाँ से स्किन टोन स्मूथ या फिर कॉन्सनर वगैरह आप काफ़ी कुछ इसके अंदर कर सकते हो। चूज फेस अप्लाई ब्यूटी इफेक्ट, यहाँ पर आपको इफेक्ट वगैरह आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आई डिटेल्स, वाइब्रेशन, वाइटनिंग, ग्लो वगैरह, स्मूदर टेक्स्चर, आई स्माइलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो। और फेस की बात हो, यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे कटआउट, कट शार्पनर, क्रॉप इनहेंसमेंट, रिमूव, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर से। आप क्लोन क्रिएट कर सकते हो एप्लीकेशन का, पैच क्रिएट कर सकते हो, रिलाइट, यहाँ पर आपको लाइटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको जिस तरीके से लाइटिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, काफ़ी सारे मतलब टेम्पलेट इसके अंदर होते हैं जिसका आपको एडिट करना होता है, तो यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हो। कुछ टेम्पलेट इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे यूज़ करना है तो वो भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। बाकी फ़िल्टर्स की बात करें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिलते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे फ़िल्टर्स के जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आप जैसे एस्थेटिक्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर वो फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं। एडजस्टमेंट कर सकते हो, कलर ग्राइडिंग कर सकते हो, सिलेक्टिव, एच एस एल, लक्स, ब्राइटनिंग, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, वाइब्रेशन, शार्पनिंग, गेन, हाईलाइट्स वगैरह, फेड, वार्म, टिंट, वाइब्रेशन, कर्व, स्प्लिट टोन, या फिर इफेक्ट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। स्टिकर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर टेस्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर और टेस्ट की जो स्टाइल्स हो यहाँ पर ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ब्रशेस, एडिट फोटोज, बैकग्राउंड वगैरह आप ऐड कर सकते हो। एआई फिल्टर्स वगैरह आप लगा सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन आता है, वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो। एडिट फोटो, कंटिन्यू एडिट, लेआउट वगैरह आप यहाँ से आप सेव कर सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है, पूरी तरीके से फ्री एप्लीकेशन है। डाउनलोड किस तरीके से करना है, डाउनलोड करने की जो लिंक है मैंने अपने सेक्शन में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप इस होम पेज पर आ जाएंगे, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक कर देना और डायरेक्टली आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो।